इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा ये कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में यूज़ होगा, इसलिए हम लोग इसको जानते हैं कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम कहते किसे हैं। अनरियलाइज्ड वर्ड पर अगर हम लोग गौर करें तो रियलाइज़ करना होता है कि महसूस करना, एक्चुअली अकर होना, नज़र आना। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि हमारी बुक्स में नज़र बुक्स में लिखा तो होता है लेकिन ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता लेकिन हमारी बुक्स में ये प्रॉफिट लिखा होता है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि रियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है वो क्या है या रियलाइज्ड गेन क्या है। इसको हम लोग अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या अपना बुक्स गेन भी कहते हैं। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है बिल्डिंग और इस बिल्डिंग को हमने ख़रीदा था। इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो यहाँ हम लिखते हैं, इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी 40 लाख, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस बिल्डिंग को अगर हम लोग इस बिल्डिंग को सेल करें तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इस बिल्डिंग को जब सेल करें तो हमारे पास 40 लाख की ये ख़रीदी थी और सेल करने की सूरत में हमारे पास 50 लाख आ सकता है या 5 मिलियन, जिसे हम 5 मिलियन भी कहते हैं। जिस वक्त हम लोग इसको सेल करेंगे उस वक्त हम लोग कहेंगे कि इसको सेल करने पर जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो है 10 लाख और ये है हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे। हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है ये हमें आज मिलता है या हमें ये प्रॉफिट कल मिलता है, लेकिन हम जब सेल कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट हमारा आकर हो चुका है, ये प्रॉफिट हमारे पास हमें हो चुका है। तो ये है हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इसके बरक्स अगर हम ये करें कि अभी हमने इसको सेल नहीं किया हमने इस अपनी बिल्डिंग को, लेकिन हम लोग असेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर वो हम लोग सेल करें तो मार्केट में कितनी वैल्यू पर वो एसेट सेल हो सकता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। तो हम यहाँ पर सेल की जगह हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट की वो है 5 लाख। अब फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है 50 लाख और कॉस्ट जिस पर हमने ख़रीदा था वो है 40 लाख और ये 10 लाख जो प्रॉफिट है। अब इस केस में यहाँ पर हमने पहली जो सिचुएशन हमने कही इसमें हमने कहा कि हम लोग सेल कर रहे हैं और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं कि जो हमारे पास एसेट है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी मार्केट से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जो हमने कॉस्ट ली थी उससे उसका कितना डिफरेंस है, और हम लोग सिर्फ उसे असेस करके कि अगर हम लोग सेल करें तो हमारे पास 10 लाख का प्रॉफिट आ सकता है। और इस प्रॉफिट को जो कि हमारा अभी प्रॉफिट एक्चुअली सेल करने पर हमारे पास नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हमने इवेल्युएशन की और हमारे पास ये प्रॉफिट आया, इसको हम फिर कहेंगे कि अगर हम लोग सेल नहीं कर रहे और इस तरह से अपने प्रॉफिट को चेक करके लिख रहे हैं तो ये है हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब सेल हो जाता है, ट्रांजैक्शन कोई हो जाती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन पर ये प्रॉफिट है, तो वो है रियलाइज्ड प्रॉफिट। और ऐसा प्रॉफिट जो कि हमारी सिर्फ एक असेसमेंट होती है इंटरनल और एक्चुअली हमारे हाथ में अमाउंट नहीं आती, प्रॉफिट रिसीव नहीं होता, उसको हम अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डिपार्टमेंट्स की, हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ये होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट कोई चीज़ बना रहा है और वो चीज़ डिपार्टमेंट बी यानी दूसरा डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर सकता है, डिपार्टमेंट बी के यूज़ में वो चीज़ आ सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट ए जो है वो हमारा है क्लॉथ का, कपड़ा बनाता है डिपार्टमेंट ए, और डिपार्टमेंट बी जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हैं रेडीमेड
क्लॉज ये सेल करता है। अब अगर डिपार्टमेंट बी ये करता है कि इसको अभी क्लॉथ कपड़ा जो है वो बाहर से भी ख़रीदना पड़ेगा, या ये करता है कि ये मार्केट से ले सकता है, या ये करता है कि यही कपड़ा डिपार्टमेंट ए यानी क्लॉथ डिपार्टमेंट से भी ख़रीद सकता है। अब डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट ए से कपड़ा ख़रीदा और उस सारे कपड़े को अभी रेडीमेड गारमेंट्स में रेडीमेड क्लॉथ में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ कपड़ा उसकी इन्वेंट्री में मौजूद है। अब जितने का कपड़ा उसकी इन्वेंट्री में मौजूद है या ऐसी इन्वेंट्री जिसको अभी सेल आउट नहीं किया, चीज़ें मौजूद हैं सेल नहीं हुई, तो उसको हम लोग कहेंगे उस पर हम लोग प्रॉफिट पहले से ही नहीं लिख सकते। जैसे हमने बिल्डिंग का केस किया, बिल्कुल बिल्डिंग की तरह ही इन्वेंट्री का भी होता है कि जब हम लोग इन्वेंट्री को सेल आउट कर देंगे, सेल करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने कितने की चीज़ें ख़रीदी थी और कितना हम लोगों ने इस पर अर्न किया है, तो फिर हमारे पास हमारा प्रॉफिट जो है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह डिपार्टमेंट्स के अंदर सेल होती हैं और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की तरह ही हमारा अनरियलाइज्ड लॉस भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर कह लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट थी हमारी बिल्डिंग की, या हमारी बिल्डिंग को हम लोग समझ रहे हैं तो बिल्डिंग की हम बात कर लेते हैं, वो थी 50 लाख, और अब अगर हम इसे सेल कर रहे हैं तो ये 40 लाख में बिक रही है। तो इस तरह से हमें अनरियलाइज्ड लॉस भी हो सकता है। अनरियलाइज्ड लॉस पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए इसको हम लोग, क्योंकि एक्चुअली जब लॉस होता है तो हमें लॉस पर हम लोगों को टैक्स बच जाता है, तो हमें टैक्स जो रिलीफ है वो लॉस के होने, एक्चुअली लॉस के होने के केस में होता है, इसलिए इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं लिखते। इसको इनकम स्टेटमेंट जहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है उससे अलग एक स्टेटमेंट होती है जिसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, उसमें हम लोग अपने अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस को लेकर जाते हैं। जैसे लॉस पर हमें रिलीफ मिलता है, ऐसे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना पड़ता है, तो जब प्रॉफिट एक्चुअली होता है तो कंपनी उस पर टैक्स देती है, और जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसे इसीलिए हम लोग इनकम स्टेटमेंट से बाहर रखेंगे और इस पर कोई भी टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा कैसे नज़र आता है और उसको फिर हमने अकाउंट्स में किस तरह से शो करना है।